नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में कानपुर देहात के जवान श्याम बाबू शहीद हो गए। वहीं गांव में शहीद के घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है और घर में चीख पुकार मची हुई है। वहीं घर के परिजन देश के लिए शहीद हुए जवान पर गर्व और फक्र महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं पिता का एक पुत्र और पत्नी का पति और मां का दुलारा की जाने पर घर में शोक का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात की तहसील डेरापुर के गांव रेंगांव का रहने वाला शहीद जवान श्याम बाबू आतंकी हमले में शहीद हो गया। वहीं 115 बटालियन सीआरपीएफ में तैनात 31 वर्षीय श्याम बाबू 12 वर्षों से देश की सेवा कर रहा था। शहीद श्याम बाबू दलित गरीब परिवार से था, जिसकी नौकरी के वेतन से घर का गुजारा होता था। शहीद श्याम बाबू ने अपनी नौकरी के दम पर अपनी दो बहनों की शादियां बड़ी धूमधाम से की थी और उसके बाद वर्ष 2013 में खुद की शादी रूबी देवी से की थी। वहीं शहीद श्याम बाबू का 5 वर्षीय पुत्र आयुष उफ्र लकी बाप 5 माह की बेटी आयुषी है। किसान राम प्रसाद के दो बेटे में से शहीद श्याम बाबू बड़ा बेटा था और छोटा बेटा कमलेश प्राइवेट नौकरी कर अपने बड़े भाई का सहयोग करता था। घर बनवाने के लिए शहीद श्याम बाबू 1 फरवरी को घर पर छुट्टी लेकर आया हुआ था और 10 फरवरी को पुनः ड्यूटी पर पहुंचा था। वहीं श्याम बाबू के परिजनों ने बताया कि 14 फरवरी को दोपहर करीब 10 बजे शहीद श्याम बाबू ने फोन करके अपनी बेटी की तबीयत के बारे में उसका हाल पूछा था, लेकिन करीब शाम 6 बजे बेटे की शहादत की खबर आने पर घर में चीख पुकार और कोहराम मच गया। वहीं शहीद के परिजनों ने पाकिस्तान से बदला लेने की बात भी की। अपेक्षा यही है कि सरकार एक दिन सारे मारे जाए, दो बात की कोई दिन खून बचे और ना ही तो सरकार बैठे कुर्सी के लिए मीटिंग करे। ये जानकारी तो हम लोगों ने जब मोबाइल या टीवी में देखा आई तो उससे जानकारी हुई कि ये बच्चा शहीद हो गया, लेकिन इनके साथ जो ये हमला हुआ ये सरकार के खिलाफ है। सरकार को शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इतने बालक शहीद हुए हैं, इनके बारे में सरकार को इनके 540 जवान कम से कम लेने चाहिए तुरंत, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो काम है तो ये सब ढीला है, क्योंकि ये सेना को छूट नहीं दे रहे हैं। हमारी फौज इस बात को इसका बदला लेंगे। पूरा देश आज शोकग्रस्त है, लेकिन पूरा देश उनके साथ है, परिवार के साथ।